देखो फॉर एग्जांपल मैंने फिर एक ग्राफ बनाया, देखो ऐसे करके, मान लो मैंने ऐसे ग्राफ बनाया, ये पॉइंट है ए, यहां पर मान लो है सी, यहां पर मान लो है डी और यहां पर मान लो है ई, देखो ऐसे है ना। इसके लिए x है a, ये वाला y है c, ये वाला y है d और ये वाला देखो y है e, देखो ध्यान दो। अब देखो क्या हो रहा है, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे at x equal to a function is discontinuous, देखो function discontinuous है x बराबर a पर, ठीक। देखो x बराबर a पर y क्या है, देखो डॉट कहां लगा, डॉट लगा e पर, तो y की वैल्यू e है, x बराबर a पर y की वैल्यू क्या है, e। अब देखो ध्यान दो, जैसे ये a है, अब एक ग्राफ है a के राइट में और एक ग्राफ है a के लेफ्ट में, देखो a के राइट में ग्राफ है, एक ग्राफ a के लेफ्ट में है। देखो अगर हम ध्यान दें, देखो ये x बराबर a है और a पर y की वैल्यू कितनी है, e। देखो अगर हम ध्यान दें तो ये a है और ये ए के राइट वाला ग्राफ है, ये देखो सी की तरफ जा रहा है ना। देखो अगर हम एक्स बराबर ए के राइट वाला ग्राफ देखें तो देखो ये ग्राफ देखो सी पर है, सी पर, हालांकि पहुंचा नहीं, डॉट नहीं है, लेकिन जा रहा है। मतलब ये नहीं कहेंगे एक्स बराबर ए पर वाई की वैल्यू सी है, ये नहीं कहेंगे, हम कहेंगे अगर हम एक्स बराबर ए के राइट वाला ग्राफ देखें तो वो C पर जाने की कोशिश कर रहा है। देखो ऐसे बना सकते हैं, ऐसे एरो, एरो का मतलब जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसी को मैथमेटिक्स में कहते हैं राइट हैंड लिमिट। मतलब देखो इसको ऐसे लिखते हैं, X टेंडिंग टू A प्लस, A प्लस का मतलब हुआ कि A पर राइट साइड से देखो, तो जब हम a पर राइट साइड से देखेंगे तो ये ग्राफ दिखाई देगा, राइट साइड देखो, लेफ्ट भूल जाओ, a पर राइट साइड से देखो ये ग्राफ दिखाई देगा। तो x टेंडिंग टू a प्लस, a प्लस का मतलब a पर राइट साइड से देख रहे हो, इंप्लाइज क्या हो रहा है, y टेंडिंग टू c, मतलब अगर आप x बराबर a पर राइट साइड से देख रहे हो तो y की वैल्यू कहां जा रही है, c पर, टेंडिंग, टेंडिंग मतलब जा रही है, जाने की कोशिश कर रही है ना, टेंडिंग इसको बोलते हैं, इस सिंबल को कहते हैं टेंडिंग, है ना। और ये सिंबल आप इस टॉपिक में बहुत देखेंगे, टेंडिंग यानी x अगर a पर जा रहा है राइट साइड से तो y c पर जा रहा है, है ना। इसी को हम ऐसे भी कहते हैं, लिमिट ऑफ fx x tending to a plus बराबर c, इसी बात को देखो हम ऐसे भी कह सकते हैं, यानी अगर हम x equal to a पर जाएंगे राइट साइड से तो फंक्शन, फंक्शन का मतलब होता है y, वो कहां जाएगा बोलो, c पर जाएगा, ध्यान दो। अगर हम x बराबर a पर राइट साइड से जाएंगे तो फंक्शन कहां जाएगा बोलो, c पर जाएगा, है ना। और इसी को हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए इज सी, एक्स बराबर ए पर, शॉर्ट में कहते हैं आर एच एल, आर एच एल का मतलब राइट हैंड लिमिट, एक्स बराबर ए पर कितना है, सी है, ठीक। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब उस पॉइंट के राइट वाला ग्राफ आखिर जा किधर रहा है, वाई की कौन सी वैल्यू पर जा रहा है, पहुंचा नहीं, जानने की कोशिश कर रहा है, उसी को कहते हैं हम राइट हैंड लिमिट। अच्छा देखो अगर हम ए के लेफ्ट वाले ग्राफ को देखें, देखो ये ए है, ए के लेफ्ट वाला ग्राफ देखो ये रहा, ये कहां जा रहा है, देखो ये जा रहा है y की वैल्यू d पर, तो इसी को कहते हैं x tending to a minus, a minus का मतलब a पर लेफ्ट साइड से देखो, अगर a पर लेफ्ट साइड से देखें
तो क्या हो रहा है, देखो हमारा ग्राफ कहां जा रहा है, डी पर, तो वाई टेंडिंग टू डी, मतलब y की वैल्यू देखो d पर जाने की कोशिश कर रही है। अगर x बराबर a पर जाओगे लेफ्ट साइड से, देखो ये लेफ्ट वाला ग्राफ है, ये y की वैल्यू d पर जाने की कोशिश कर रहा है। इसी को ऐसे भी लिखते हैं कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू a माइनस बराबर d, इसी को ऐसे भी कहते हैं। a माइनस का मतलब a पर लेफ्ट है लिमिट। इसी को ऐसे भी कहते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू ए इज डी, और शॉर्ट में कहते हैं एल एच एल, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो एक्स बराबर ए पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या है, बोलो डी। देखो x बराबर a पर राइट हैंड लिमिट c है, x बराबर a पर लेफ्ट हैंड लिमिट d है, तो हम कहते हैं कि at x equal to a, x बराबर a पर क्या हो रहा है बोलो, राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, दोनों लिमिट आपस में देखो बराबर नहीं हो रहे हैं, है ना। इसीलिए हम कहेंगे कि लिमिट ऑफ एफ एक्स extending to a does not exist, ध्यान दीजिए, है ना, क्योंकि दोनों लिमिट बराबर नहीं है, क्योंकि है ना, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल, देयरफॉर देखो, अब देखो हमने extending to a लिखा, इस पर ना तो प्लस लिखा ना माइनस लिखा, और इसी को मैथमेटिक्स में बोला जाता है कंप्लीट लिमिट, है ना, इसी को मैथ्स में कहते हैं कंप्लीट लिमिट, ध्यान देना, इसी को एक्सटेंडिंग टू ए को। तो एक्चुअली राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है, राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, देयरफॉर कंप्लीट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो अगर कभी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं होंगे तो हम बोलेंगे कि भाई कंप्लीट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, है ना? और कंप्लीट लिमिट में a पर कोई सिंबल नहीं बनाते हैं, सिर्फ x टेंडिंग टू a fx लिखते हैं बस, है ना, देखो ऐसे, सिर्फ ऐसे लिखते हैं x टेंडिंग टू a और fx, a प्लस कर दें तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगा, a माइनस कर देंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा, खाली a लिखेंगे तो कहेंगे कंप्लीट लिमिट। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, कंप्लीट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर नहीं है, समझो बात को ध्यान से, ठीक। अच्छा अब देखो, ठीक है, तो एक बार ध्यान देना, डॉट बता रहा है वाई की वैल्यू को, जैसे वाई की वैल्यू पूछी जाएगी कि एक्स बराबर एफ और वाई क्या है, फंक्शन क्या, तो डॉट है ना, फंक्शन की वैल्यू, यानी देखो एफ ऑफ ए बराबर ई, ऐसा भी कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए, ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, बोलो ई के बराबर है, ध्यान देना, ठीक है। तो डॉट बताता है वाई की वैल्यू को और राइट हैंड वाला ग्राफ बताता है राइट हैंड लिमिट को, लेफ्ट हैंड वाला ग्राफ बताता है लेफ्ट हैंड लिमिट को, ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी और लिमिट का बेसिक मीनिंग होता है ना। देखो ध्यान दो बच्चों, इसको लिखो जल्दी से, मैं कुछ बातें आपको और समझाता हूं भी, क्योंकि स्टार्टिंग की चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है।